श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जुमला है और कुछ नहीं है। रेलवे मिनिस्ट्री अच्छे से जानती है और मीडिया तो वैसे ही इनका पावरफुल है ना। और क्या कहीं मौत हो गई? ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंची, देर लग रही है, खाना पानी नहीं मिल रहा है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, श्रमिकों को पहुंचाया नहीं जा रहा है, श्रमिकों की सुनी नहीं जा रही है। पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं, गरीबों की नहीं सुनते हैं मोदी जी। टूट पड़ो, कोई छोड़ना मत पीयूष गोयल जी को। अगर कहीं से कोई खबर मिल जाती है और अगर फेक हुई तो हमें क्या, छोड़ो फेक खबर है तो क्या है, हमारा एजेंडा सेट होना चाहिए है ना। सच्चाई जानना, किसे पड़ी है सच की, किसे लेना देना है सच से, है ना। दरअसल देश को खतरा फेक न्यूज से और इन फेक न्यूज को स्प्रेड करने वाले पत्रकारों से है। जिस महिला की ये बात कर रहे हैं ना, वो महिला अपने बहन बहनोई के साथ अहमदाबाद से ट्रेवल कर रही थी और उसके बहनोई ने ये लिखित स्टेटमेंट दिया है कि वो काफी टाइम से बीमार थी। जिस विकलांग व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं, उनके परिवार वालों ने स्टेटमेंट दिए कि 4-5 साल से ही वो बीमार चल रहे थे और उनके डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि इनके शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं, वो बच्चा पहले से ही बीमार था, उसकी ट्रीटमेंट चालू थी और वो दिल्ली से ट्रीटमेंट करवाकर लौट रहा था। जिस ट्रेन की ये बात कर रहे हैं ना, सूरत से सिवान वाली ट्रेन के, इन्होंने 9 दिन लगाए मजदूरों को पहुंचाने में सूरत से सिवान, वो ट्रेन 23 तारीख को निकली थी और 25 को पहुंची। और ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले पत्रकारों ने ये झूठी खबर फैलाई कि 16 तारीख को निकली थी और 25 को पहुंची थी। और ये कह रहे हैं ना कि ट्रेन जिस रूट से जाती है उस रूट से नहीं जाकर किसी और रूट से जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं, 75% ट्रेनें इस रूट पे चल रही है। ट्रैफिक कंजक्शन होता है, इतना तो कॉमन सेंस किसी भी छोटे से बच्चे में भी होगा। तो उस वजह से कुछ एक ट्रेन के रूट चेंज करे, बाकी ट्रेनें नॉन स्टॉप ही जा रही है। अगर कुछ घंटे देरी से पहुंचते तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे तो गंतव्य तक पहुंचाना हमारा मकसद है ना। और जो बाकी की 3 मौतें है भाई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाने दो, उसकी ऑटोप्सी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मरने का कारण क्या है। ये पत्रकार लोग तो खुद ही खबरों का पोस्टमार्टम कर देते हैं, रिपोर्ट तक का भी वेट नहीं करते हैं। मगर फिर भी हजारों की तादाद में जो ट्रेनें मजदूरों को भिजवाई गई है और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, उस दौरान एक आधी दो ट्रेन में अगर कोई ऐसे हादसे हो जाते, चाहे वो हादसा छोटा हो बड़ा हो, किसी की जान जाती है, कोई बीमार होता है, दुखद है, बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं सुनकर। मगर ऐसी घटनाओं पर ओछी राजनीति करना और फेक न्यूज स्प्रेड करना कहां तक जायज है। और जिस श्रमिक स्पेशल ट्रेन को ये बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल जी बतौर रेल मिनिस्टर, उन्होंने जो काम किया है भारत के इतिहास में, आज तक ऐसा काम किसी भी रेल मंत्री ने नहीं किया है। एक ट्वीट पर वो जब समाधान लाते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके सोल्यूशन लाते हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हो। 3530 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है और 80 लाख से ज्यादा फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और एक निर्धारित किया गया था कि 12 घंटे की जो जर्नी है उसमें जो एक टाइम का मील है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इंटर स्टेट ट्रेन सर्विस के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था और उस गाइडलाइन को सबको फॉलो करना था, सभी स्टेट्स को। उस प्रोटोकॉल में जो भी स्टेट है, जो भी ओरिजिनेटिंग स्टेट है, उनके मजदूरों को जिस गंतव्य तक जाना है, तो दोनों स्टेट के जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, जो कि स्टेट खुद डिसाइड करती है, वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और फिर रिक्वेस्ट रेलवे मिनिस्ट्री को भेजेंगे, वो अप्रूव करेंगे और मजदूरों को वो गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। जिसके अंतर्गत मजदूरों की स्क्रीनिंग, उनके टेस्ट, उनको खाना पानी और उनको ट्रेन में बिठाने तक की जिम्मेदारी उस ओरिजिनेटिंग स्टेट की होती है। किसी सपोज अगर महाराष्ट्र से मजदूरों को उत्तर प्रदेश जाना है, तो ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि मजदूरों की लिस्ट तैयार करे, उनकी चेकिंग करे, टेस्टिंग करे, उन लोगों को ट्रेन में बिठाए, भोजन पानी सारी व्यवस्था करे, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर ने वो सारा उनको अरेंजमेंट करके दिया था। इवन मार्च 2020 में ही सेंटर ने SDRF और NDRF के फंड स्वीकृत कर दिए थे और स्टेट को वो पावर दे दिया था, वो फंड पहुंचा दिया था। और अगर फिर भी स्टेट मजदूरों की देखभाल नहीं कर पाती है तो उसमें किसको ब्लेम करूंगे आप लोग। एंड मोर ओवर मैं ये कहती हूं कि अगर राज्य सरकारें
और जैसे महाराष्ट्र बार बार ब्लेम कर रही है, तो उद्धव ठाकरे किस बात के मुख्यमंत्री बनकर बैठे अगर उसको हर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए हर चीज का ठीकरा रेलवे पर और सेंटर पर डालना है। तो आपको पैसे दिए, आपको फंड दिए, आपको गेहूं चावल अनाज राशन सब कुछ दिया, 85% कॉस्ट ट्रेन की सेंटर भुगत रही है, आपको स्टेट को सिर्फ 15% ही भुगतनी है, और उसमें भी आप जितनी लिस्ट दे रहे हो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रातों रात पीयूष गोयल जी 145 ट्रेन प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर दूसरे दिन वो सारी ट्रेनें खाली पड़ी रहती है वहीं पे स्टेशन में, वो खाली ट्रेनें जा रही है। आपको पता है एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है चलाने की? लगभग 80 लाख, और वो ट्रेनें खाली जा रही है। ऑलरेडी रेलवे इतना नुकसान उठा रही है और फिर भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, आरोप प्रत्यारोप चला आ रहा है और मजदूर उसमें पीसता जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार की या किसी अन्य राज्य के सरकार की खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे बांद्रा जैसी घटना हो जाती है, वहां पे श्रमिक इतनी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग कोई सेंटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, अन्य स्टेट के साथ जहां पहुंचाना होता है वहां कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये ना स्क्रीनिंग ना टेस्टिंग ना कुछ भी नहीं करते, और फिर सीधा ये ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। तो मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहती हूँ कि आप तीन लोग मिलकर एक स्टेट नहीं संभाल सकते? क्या कर रहा है बीएमसी? 40 साल से शिवसेना के पास में बीएमसी है, लेकिन आज भी जब बारिश होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे मुंबई बह रहा हो समुद्र में। और ड्रेनेज इशू ज्यों का त्यों। मैं गुजरात से हूँ, हमारे गुजरात में जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने काम किया है अनबिलीवेबल। कोरोना जैसी महामारी में आप कुछ काम भी नहीं कर रहे और हर बात पर आप सेंटर को और रेलवे को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप किस काम के लिए मुख्यमंत्री बने? राहुल गांधी अलग से देखो पलड़ा झाड़कर जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ फेवर में हैं, हमारा कोई रोल नहीं है महाराष्ट्र में। तो ये क्या बात होती है और क्यों आम जनता सफर हो? मुंबई की हॉस्पिटल में इतनी मौतें हो रही है, लाशें पड़ी है, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं, आपके जो एमएलए है वो पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं, उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, उनसे दादागिरी कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। मतलब क्या है, कुछ काम कर लो यार, कम से कम, और कुछ नहीं तो जनता का तो सोच लो। सत्य बताना मेरा काम था, आप तक ये खबरें लाना मेरा फर्ज था, वो सत्य जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।